ये वाला मेरा बेड है, ऊपर मुझको भेजा था लेकिन खाली था तो मैंने नीचे वाला ही प्रेफर किया। भाई साहब थक गए थे रास्ते में, पेट दर्द हुआ, चोरी का सेब तोड़े, अभी सेब भी। और ये जो हॉस्टल पड़ा है हम लोगों को, ये पड़ा है, ये ब्यास नदी है। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और अभी समय बज रहे हैं 8:07 रात के, और अभी पहुंचा हूं मैं मनाली। करीब 30 घंटे का सफ़र था, पहले चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ से बस ली मैंने और वहां से फिर मनाली पहुंचा हूं। इधर जाम बहुत लगता है, अभी जाम लगा हुआ है पूरा। तो अभी मैं चल रहा हूं हॉस्टल देखने, बस में ही था मैं तभी मैंने हॉस्टल बुक किया था, सचिन भी मेरे साथ पीछे आ रहा है। तो अभी बस स्टैंड से करीब 3.8 किलोमीटर दिखा रहा था, तो उधर ही चल रहा हूँ मैं। और देखो अगर कोई टेम्पो वेम्पो मिलता है तो उस पर बैठता हूँ, ऑटो वगैरह, नहीं तो पैदल ही चलूँगा। चंडीगढ़ तक तो मैं बाई ट्रेन आया था अपने होम टाउन डलमऊ से, सुबह जो है 9:30 के आसपास मैं पहुंचा चंडीगढ़। और फिर उसके बाद 9:30 पहुंचने के बाद वहां से टैक्सी ली मैंने, यानी ऑटो लिया था मैं और सचिन दोनों ने, और फिर आ गए थे हम लोग सेक्टर 43 चंडीगढ़ में, और वहां से मनाली के लिए तुरंत बस मिल गई थी। जैसे हम लोग पहुंचे वैसे ही बस निकलने वाली थी, अगर 5 मिनट लेट हो जाते तो निकल जाते, फिर काफ़ी देर वेट करना पड़ता। चंडीगढ़ से जो हम लोगों ने बस ली थी वो जर्नी बहुत ही उबाऊ रही, और 9:40-9:50 के आसपास बस ली सुबह, और यहाँ पर शाम को पहुँचा हूँ 8:00 के आसपास। 10-11 घंटे का पूरा टाइम निकाल दिया 300 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करने में, और वो भी नॉन एसी बस थी तो पूरी हालत ख़राब हो गई। अगर देखें तो घर से हम लोग कंटिन्यू 28 से 30 घंटे की जर्नी करके आए हैं यहाँ पर अभी, और अभी हॉस्टल की तरफ 3 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। हाँ, कैसे रहा अनुभव? ऐसे बनी हो ट्रैवलर? अभी करीब 1 किलोमीटर चल लिए हैं और 3.1 किलोमीटर अभी भी चलना है, मतलब 700-800 मीटर चलने के बाद। और इधर कोई साधन मिलने की उम्मीद भी नहीं है, कैब बुक करूंगा नहीं, बहुत महंगा चार्ज कर रहे हैं, 600 रुपया 3 किलोमीटर का। तो अभी करीब 2 किलोमीटर और दूर बचा है हॉस्टल, और सचिन बार बार पीछे रह जा रहा है, आओ जल्दी आओ, नहीं बंद हो जाए चेक इन भी ना हो पाई। इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, जाम लगा हुआ है, इसको देख के लग रहा सही हुआ जो साधन नहीं मिला, नहीं साधन मिलता भी तो हम लोग और लेट में पहुंचते, इससे अच्छा पैदल ही पहुंच जाएंगे। बस चंडीगढ़ से जो बस ली तो हम लोगों ने ये सोच के ली थी कि कसोल जाएगी पहले, कसोल होकर मनाली निकलेगी, तो कसोल में हम लोग पहले रुकने वाले थे 1-2 दिन के लिए, उसके बाद मनाली आते विज़िट करते, लेकिन ये कसोल के रास्ते आई ही नहीं, पता नहीं किस रास्ते से आ गई, तो कसोल हम लोग पहुँच नहीं पाए। और कसोल में हॉस्टल बुक था तो वहाँ पहुँच जाते, लेकिन जब मनाली निकल आई तो फिर यहाँ से अटेंडम में बुक करना पड़ा हॉस्टल। और जब मनाली पहुँचने वाले थे तब 1-2 किलोमीटर पहले ही मैंने हॉस्टल बुक किया, वो तो अच्छा था कि मिल गई डॉर्मेट्री। और लेकिन अभी बस स्टैंड से 3.8 किलोमीटर थी, थोड़ा दूर है, ब्यास नदी है। आज रास्ते में मैंने सतलज भी देखी थी पंजाब से आते समय, यानी चंडीगढ़ से आते समय, और इधर ब्यास नदी है मनाली में, इधर सामने चल रहे हैं। तो अभी मेरा स्टैमिना देख रहे हो, ये मैंने आगे अपना बैग टांगा है और पीछे सचिन का बैग है, और उसके पीछे सचिन है, उसका पेट दर्द होने लगा था तो इसीलिए मैं दोनों लेके चल रहा हूँ। और अभी 1.6 किलोमीटर दूर है हॉस्टल। तो चलिए फिर हॉस्टल में चल के मिलेंगे आपको, अभी यहाँ कुछ दिखाने लायक है भी नहीं और भीड़ बहुत ज़्यादा है। A few minutes later. और ये जो हॉस्टल पड़ा है हम लोगों को, ये पड़ा है 628 का दो लोगों के लिए, यानी एक लोगों का 314 रुपये का पड़ा है, 314 का, और सही है रेट उस हिसाब से, बस चलने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। तो अभी चल रहे हैं हम लोग नीचे डिनर करने, और पावरफुल इधर से बढ़िया है, लाइट वाइट बढ़िया की गई है, इधर नीचे हम लोग सेकंड फ्लोर पे हैं, ये फर्स्ट फ्लोर है और नीचे ग्राउंड फ्लोर है। हॉस्टल के नेम है वूपर्स हॉस्टल, लिख दूंगा मैं, पढ़ लेना। आ चुका हूँ मैं नीचे, और नीचे से कुछ ऐसा व्यू मिलेगा, इधर कैफेटेरिया है, इधर बोन फायर के लिए
अभी ठंड है हम लोग लेकिन चल के आए हैं थोड़ा हाइट पे चढ़ के, तो इसलिए गर्मी लग रही है, हाफ टी शर्ट में हूँ, नहीं बाकी लोग जो है हल्का हल्का स्वेटर पहन रखेंगे। तो ये रही अंदर से डॉर्मेट्री, बाहर से तो दिखा दिया मैंने, अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये इधर से कुछ बहुत ही शानदार बनी है, बहुत ही ज़्यादा। ये वाला सचिन का बेड है, ये वाला मेरा बेड है। ऊपर मुझको भेजा था लेकिन खाली था तो मैंने नीचे वाला ही प्रेफर किया। और इधर जो है इस तरह से 8-bedded डॉम्स हैं। और लॉकर इधर, टॉयलेट मिल जाएगा, खोलूँगा नहीं मैं, कुछ फ़ोटोज़ तस्वीरें बढ़िया बढ़िया। और ये भाई साहब थक गए थे रास्ते में, पेट दर्द हुआ, चोरी का सेब तोड़े, अभी सेब भी मैं आपको दिखाऊंगा। दिखाओ जरा सेब। यहाँ सेब के बहुत सारे गार्डन्स लगे थे यहाँ पर, ये देखिए ये सेब, अभी हम लोग रात में, हम लोग नहीं ये चोरी करके लाया है। तो ये था कुछ, इधर बाहर से बालकनी वाला एरिया है और नीचे इधर कैफ़े है, तो अभी हम लोग उधर जाएंगे और ऑर्डर कर दिए खाने के लिए, क्योंकि रात हो गई है, इस समय 9:15 के आसपास हो रहे हैं। और इधर पूरा ये मनाली शहर है, और हम लोग मनाली से बाहर आ चुके हैं लगभग, मतलब है मनाली ही लेकिन ओल्ड मनाली की तरफ हैं हम लोग।